चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से केरल और मुंबई के समंदर में हलचल देखने को मिल रही है। हाई टाइड के बीच समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग IMD के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ जिले से गुजरेगा, जो कि 15 जून को पाकिस्तान के कराची तट तक पहुंच सकता है। साइक्लोन बिपरजॉय के आगे बढ़ने के साथ ही ये विकराल होता जा रहा है। हाई टाइड के बीच समंदर में ऊंची लहरें उठने के साथ ही चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवाएं और इसके साथ बारिश की गतिविधियां भी जारी हैं। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश देखने को मिली, वहीं समंदर हाई टाइड की चपेट में है। IMD के मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई है। राज्य के तटीय हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान की बढ़ती हुई हलचल को देखते हुए कांडला पोर्ट पूरी तरह से खाली कराया गया है। जहाजों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। मुंबई के रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के तेज होने के मद्देनजर बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिन महाराष्ट्र की राजधानी समेत राज्य के कई शहरों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर में आज यानी कि सोमवार को तेज हवाओं के साथ ही मध्यम स्तर की बारिश होगी। मौसम विभाग ने ठाणे के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। केरल, गुजरात और महाराष्ट्र के कई तटीय इलाकों में चक्रवात का असर दिखाई दे रहा है। IMD के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ जिले से गुजरेगा, जो कि 15 जून को पाकिस्तान के कराची तट पर पहुंच सकता है। तटीय इलाकों से टकराने की संभावना को देखते हुए गुजरात सरकार NDRF और SDRF के दलों को तटीय इलाकों में तैनात कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने रविवार को जानकारी दी थी कि सौराष्ट्र, कच्छ और कराची तट से 15 जून को दोपहर 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा के साथ ही चक्रवात के गुजरने की संभावना है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।